ये बद्रीनाथ जी ने साफ संदेश दे दिया है कि आने वाला जो 27 का चुनाव होगा उसमें कांग्रेस निश्चित रूप से सरकार बनेगी। बद्रीनाथ जी का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को इस बार लखपत सिंह बुटोला जी के रूप में मिला, और कलियर शरीफ से जो आवाज़ आई वो काजी निजामुद्दीन की आई, वहाँ से भी कांग्रेस ने अपनी सीट जीती। और जहाँ तक पूरे भारत की बात करूँ तो आज 13 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, सिर्फ मात्र एक सीट पर भाजपा जीत हासिल कर चुकी है। आज जनता ने साफ दिखा दिया है कि अब जनता की सरकार इस देश में चलेगी। आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा होगा किस तरह जनता ने इस बार भाजपा को करारा जवाब दिया, और जो 400 का जुमला था वो सिर्फ जुमला बनकर रह गया। और अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता अब जुमलों की सरकार पर नहीं चलने वाली। जो धामी सरकार है वो बिल्कुल विफल रही है, अब इस बार दूसरी बार सरकार बनी है। लेकिन धरातल की बात करें तो उत्तराखंड में जो महिलाओं पे लगातार दुराचार, अंकिता भंडारी का हत्याकांड जिसको आज तक उसके आरोपियों को वो नहीं पकड़ सकी है, कभी भादराबाद में होता है, कभी उत्तराखंड के किसी पहाड़ी जिले में होता है, तो कहीं ना कहीं जो भाजपा के लोग हैं वही उस लोग में से उस कांड में शामिल होते हैं। इसलिए भाजपा उन्हें लगातार बचाने का काम कर रही है। अब वो दिन दूर नहीं है जब उन सब आरोपियों को सजा मिलेगी, और आने वाले 27 के जो चुनाव होगा उत्तराखंड में वो भाजपा को साफ से करेगी, और उनका सुपड़ा साफ यहाँ से होगा, और कांग्रेस यहाँ पे सरकार बनाएगी, और वो सरकार जनता की होगी, बेरोजगारों की होगी, महिलाओं की होगी। जो जिस तरह से भाजपा सरकार आज झोकर पट्टियों के नाम पर, मलिन बस्तियों के नाम पर लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है, उनका विस्थापन करने का कहीं नाम नहीं ले रही है, ऐसी सरकार को इस बार जनता उखाड़ कर फेंक देगी। कहते हैं कि अब जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस ही इस पूरे देश को संभालने वाली सरकार है, और उत्तराखंड की जो जनता है, हमने सोचा था कि पहाड़ में कहीं ना कहीं अभी भाजपा का असर बाकी है, लेकिन इस बार जब बद्रीनाथ से जो रिजल्ट हमें देखने को मिला है तो पहाड़ की जनता, जो बोली वाली जनता, जिसे भाजपा हर बार राशन के नाम पर, कभी चिकित्सा के नाम पर छलने का काम कर रही थी, लेकिन वो जनता भी आज जागरूक हो चुकी है। और निश्चित रूप से जो आने वाला स्थानीय निकाय चुनाव है उसमें पूरे उत्तराखंड में भाजपा के का सुपड़ा साफ होगा। मेयर की सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे, नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस प्रत्याशी बनेंगे, हर वार्ड में पार्षद होंगे, सभासद होंगे, और कांग्रेस निश्चित रूप से बाहुबल के साथ इस स्थानीय निकाय चुनाव में अपनी जीत हासिल करेगी।